In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Assalamu alaikum bachu. Today is our lecture number 13, lesson number 3, Dark Devil and Golden Eye. ये हम start कर चुके हैं. Last lesson में हमने पढ़ा था कि Mars पर एक veteran family है जो आई है और वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया है. For the fear of war on the earth, कि earth पर कहीं war ना हो जाए, इसलिए वो यहाँ आए हैं. और मिस्टर बिटरन जो है वो कहते हैं कि वापस चले, लेकिन उनकी मिसेस कहती है कि वो यहाँ पर सेफ है, वो वापस नहीं जाएंगे. जिसके जवाब में मिस्टर बिटरन कहते हैं हाँ सेफ और इनसेफ, हाँ महफूज और पागल. आगे स्टार्ट करते हैं. नॉनसेंस, रिडिकुलस, मजाक का केस, इट डजंट मेक एनी सेंस, मीनिंगलेस. यानी नॉनसेंस के लिए आप स्टार्ट करेंगे, वो कहता है नॉनसेंस, तो वो उसका आप मतलब लिखेंगे मजहब का केस, बेमानी बात है. मिस्टर बिटरन लुक्ड आउट द विंडोज, मिस्टर बिटरन खिड़की से बाहर देखते हैं. वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे शाइस्ता लोग हैं. ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड्स ऑफ गोस्ट्स इन देम, तमाम उजड़े हुए शहरों में भूत होते हैं. और अब वो भूत को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेमोरीज. कौन होते हैं वो भूत? यादें होती हैं. आई मीन मेरा मतलब है, ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, वो पहाड़ियों की तरफ घूरते हैं. यू सी अ स्टेयरकेस, आप सीढ़ियां देखते हैं. एंड यू वंडर व्हाट द मार्शियंस लुक लाइक क्लाइंबिंग इट, और सोचते हैं कि मरीख के लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे. यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, आप मरीज के लोगों की बनाई हुई पेंटिंग्स देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं. एंड यू वंडर, और सोचते हैं व्हाट द पेंटर वाज लाइक, कि इन्हें पेंट करने वाला कैसा लगता होगा. यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड अ मेमोरी, आप एक छोटा सा भूत अपने जहन में बना लेते हैं जो असल में एक याद होती है. इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल कुदरती है. इमेजिनेशन, तसव्वुर आती है. ही स्टॉप्ड, वो वहां पर रुकते हैं. यू हैव नॉट बीन प्रॉलिंग अप इन दोज रूम्स, हैव यू? प्रॉलिंग अप, प्रॉलिंग अप क्या होता है? प्रॉलिंग अप, प्रॉलिंग अप का मतलब होता है रोमिंग अबाउट, वॉन्डरिंग अबाउट, घूमना फिरना. ठीक है, अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि आप उन खंडरों में कहीं घूम फिर तो नहीं रहे थे, कहीं वॉन्डर तो नहीं कर रहे थे, कहीं आवारा गर्दी तो नहीं कर रहे थे. नो पापा, डेविड लुक एट हिज शूज, नहीं पापा, डेविड अपने जूतों की तरफ देखते हुए कहता है. सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो इनसे दूर रहना. पास द जैम, पास द जैम का मतलब क्या है? मुश्किल वक्त को गुजारो, मुश्किल वक्त है इसको गुजारो, लेकिन आराम से घर बैठकर इधर उधर वॉन्डर करते ना फिरो. ठीक है, पास द जैम, मुश्किल वक्त को गुजारो. जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, आई बेट समथिंग हैपेंस, ऐसा ही होगा डेविड ने कहा, और मुझे लगता है, मैं शर्त लगाता हूं कि कुछ होगा. समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, और उसी से पहले कुछ हो जाता है. और वो क्या है? लॉरा स्टंबल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइम, लॉरा लड़खड़ाती हुई, स्टैगर करती हुई, स्टंबल्ड स्टैगर्ड लड़खड़ाती हुई, स्टंबल्ड स्टैगर्ड. लॉरा जो उनकी बेटी है वो लड़खड़ाती हुई सेटलमेंट आबादी की तरफ से रोती हुई आती है. शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन द पोर्च, और पोर्च पर आकर टकराती, तकरीबन टकराती है, अंधाधुंध भागती हुई आ रही है. मदर फादर द वॉर अर्थ, और क्या कह रही है? मदर अम्मी अबू, जमीन पर जंग हो गई है. यानी वो जो खबर कहता था कि कुछ होने वाला है, डेविड ने कहा कि मैं शर्त लगाता हूं कुछ होने वाला है, तो वो क्या होने वाला था? वो पता चला कि जमीन पर वॉर हो गई है. और ये खबर कौन लेकर आया है? लॉरा. अब आपको ये करेक्ट इंफॉर्मेशन में आ सकता है कि हु ब्रॉट द न्यूज ऑफ वॉर ऑन अर्थ, तो लॉरा जो उनकी बेटी है
वो आई है और वो ये न्यूज लेकर आई है. शी सॉब्ड, वो रोती है, सिसकियां लेती है. अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, रेडियो पर एक छोटी सी खबर अभी आई है. एटम बम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बम न्यूयॉर्क को आकर लगे हैं या न्यूयॉर्क पर चलाए गए हैं. ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, और न्यूयॉर्क में जितने भी स्पेस को खिला में आने वाले रॉकेट थे सब जल गए हैं, उड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब कभी भी मरीख पर कोई रॉकेट नहीं आएगा. ओ हैरी द मदर हैड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, ओ हैरी कहकर माँ अपनी बेटी और हस्बैंड को पकड़ती है. आर यू श्योर लॉरा, आस्क द फादर क्वाइटली, उसके वालिद खामोशी से पूछते हैं लॉरा क्या तुम्हें यकीन है. लॉरा वेप्ट, लॉरा रो देती है. वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉरएवर एंड एवर, हम मार्स पर फंस गए हैं हमेशा और हमेशा के लिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, और बहुत देर तक उस देर से पहले सिर्फ और सिर्फ हवा की आवाज आती रही, यानी वो बिल्कुल खामोश हो गए. बहुत देर तक किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा. एलोन, अकेले. थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा कि अब हम यहाँ अकेले रह गए हैं. ओनली अ थाउजेंड ऑफ अस हियर, यानी जो एक रॉकेट में हजार एक लोग आए थे बस वही यहाँ पर मौजूद हैं. नो वे बैक, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं. नो वे, नो वे, कोई रास्ता नहीं. स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, पसीना उसके चेहरे पे, हाथों पे और उसके पूरे जिस्म पे बह निकलता है. He was drenched in hotness of his fear, और वो अपने खौफ की हिद्दत से बिल्कुल शराबोर हो जाता है. He stroked Laura's head against him. Sorry. He wanted to strike Laura. वो चाहता है कि वो लॉरा को मारे, लॉरा को पीटे. क्यों? क्योंकि लॉरा ये न्यूज लेकर आई है. Cried, no, you are lying. और चीखे कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो. The rockets will come back. और ये रॉकेट वापस आएंगे. Instead, लेकिन इसके बजाय, he stroked Laura's head against him and said, उसने लॉरा को अपने साथ लगाते हुए उसके सर को थपका और कहा, The rockets will get through someday. किसी न किसी दिन रॉकेट जरूर आ जाएंगे. मतलब ये कि वो लॉरा को तसल्ली दे रहा है, जो परेशान है बच्ची, जो ये कह रही है कि अब रॉकेट कभी भी नहीं आएंगे और हम मरीख पर फंस गए हैं. लेकिन वो जानता है कि वाकई वो मरीख पर फंस गए हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो लॉरा को मारता, लॉरा पर गुस्सा करता, चीखता चिल्लाता, वो आराम से उसने लॉरा को अपने साथ लगाया और उसके सर को थपका कि रॉकेट आएंगे और उसको तसल्ली दी. फादर, व्हाट विल वी डू, फादर अब हम क्या करेंगे. गो अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, यकीनन हम अपना काम करेंगे. रेज क्रॉप एंड चिल्ड्रन, फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे. वेट, कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वॉर एंड्स एंड द रॉकेट्स कम अगेन, इंतजार करो और अपना काम करते रहो जब तक कि जंग खत्म हो जाती है और रॉकेट दोबारा वापस आते हैं. द टू बॉयज स्टेप आउट ऑन द पोर्च, दोनों लड़के पोर्च में कदम रखते हैं. चिल्ड्रन, ही सेड, बच्चों, वो कहता है. सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, वहीं बैठा हुआ उनके पीछे कहीं देखता हुआ वो कहता है, बच्चों, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है. वी नो, दे सेड, हम जानते हैं, वो कहते हैं. ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस, वो अपने घर की तरफ डिस्मे से देखता है. डिस्मे क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, उदासी, अफसुर्दगी. डिस्मे, डिसअपॉइंटमेंट. सैडनेस, उदासी, अफसुर्दगी. वो अपने घर की तरफ बहुत ही ज्यादा उदासी से, डिस्मे से देखता है. इवन द हाउस, देखो हमारा घर भी. द विंड हैज डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ कुछ कर दिया है. द एयर हैज बर्न्ड इट, हवा ने इसको जला दिया है. द फॉग एट नाइट, रात को कोहर पड़ती है. द बोर्ड्स आर वार्प्ड आउट ऑफ शेप, वार्प्ड आउट, वार्प्ड आउट क्या होगा? डी शेप्ड.
बद शकल हो जाना, मुड़ तोड़ जाना, तमाम तख्ते उनकी शक्ल बिगड़ गई है। डी शेप आप उसको डी शेप के साथ साथ डिफॉर्म्ड भी लिख सकते हैं। ये दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग में आते हैं, यानी उनकी शक्ल बिगड़ चुकी है, तख्तों की शक्ल बिगड़ चुकी है। इट्स नॉट एन अर्थ मैन हाउस एनी मोर, ये किसी जमीन पर रहने वाले का घर नहीं रह गया। जमीन पर रहने वालों के घर कैसे होते हैं? जमीन पर रहने वाले अपने घरों को फ्रॉम टाइम टू टाइम रेनोवेट करते रहते हैं, जहाँ कोई तोड़ फोड़ होती है वो उसको ठीक करते रहते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने वहां पर रहना होता है, वो उनके अपने घर होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो रह रहे हैं। लेकिन वो इस फीलिंग के साथ रह रहे हैं कि किसी ना किसी दिन वो वापस चले जाएंगे। और वो अपने घर को देखता है तो वो कहता है कि देखो, इतने अरसे में हमने इस घर को भी ठीक नहीं किया है, सब कुछ इसका बिगड़ चुका है। जो विंड है उसने इसको सारा खुरच दिया है, फॉग रात को पड़ती है जिसकी वजह से इसके तख्ते अपनी शक्ल से हट गए हैं, बद शक्ल हो गए हैं, बिगड़ गई है उनकी शक्ल, और ये एक जमीन पर रहने वाले का घर नहीं लगता। ओ योर इमेजिनेशन, और उसकी बीवी भी कहती है ओ तुम्हारी तो तसव्वुरात ही खत्म नहीं होते। He put on his coat and tie. वो अपना कोट और टाई पहनता है। I'm going into town. मैं बस्ती में जा रहा हूँ। We have got to do something now. अब हमें कुछ करना होगा। I'll be back. मैं वापस आ जाऊँगा। Wait, Harry, his wife cried. उसकी बीवी चीखते हुए कहती है, Harry, इंतजार करो, रुक जाओ। But he was gone. लेकिन वो जा चुका था। In town, on the shadowy step of grocery store, the men sat with their hands on their knees, conversing with great leisure and ease. आबादी में या बस्ती में एक सायादार दुकान के सामने, एक सायादार दुकान की सीढ़ी पर, दुकान ग्रोसरी स्टोर कौन सा स्टोर होता है जिस पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं, फूड स्टफ जहाँ से मिलता है वो स्टोर ग्रोसरी स्टोर होता है। और वहां पर खाने पीने की दुकान के सामने एक सायादार सीढ़ी पर या एक सायादार ऊंची जगह पर कुछ लोग बैठे हैं अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए और बहुत ही पुरसकून अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। लेयर एंड ईज, लेयर क्या होता है? लेयर होता है आइडलनेस, फुर्सत में बैठना। फुर्सत से बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं। और ईज क्या होती है? कंफर्ट, आराम, सुकून से। ना वो कोई काम कर रहे हैं, ना उन्हें कोई परेशानी है, वो आराम से वहां बैठे हुए हैं। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, और उनका सुकून देखकर मिस्टर बिटरिंग का दिल करता है कि वो हवा में एक पिस्तौल से फायर करे। व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, ही थॉट, और वो सोचते हैं कि वो चिल्लाए और कहें कि बेवकूफ लोगो तुम क्या कर रहे हो, सिटिंग हियर यहाँ बैठे हो। यू हैव हर्ड द न्यूज, तुमने खबरें सुन ली हैं। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस सैयारे पर फंस गए हैं। वेल मूव, चलो यहाँ से चले। Aren't you frightened, क्या तुम खौफजदा नहीं हो? Aren't you afraid, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? What are you going to do, तुम क्या करने वाले हो? यानी वो चाहता है कि वो चीख चीख कर इन बेफिक्र लोगों से सवाल करे कि हम यहाँ फंस गए हैं, हम यहाँ से वापस नहीं जा पा रहे हो, तुम इतने मजे से बैठे गुफ्तगू कर रहे हो, कुछ सोचो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो ये सोच रहा है और वहां खड़ा है। इतने में वहां पे सब बैठे हुए लोग कहते हैं, हेलो हैरी। Look, he said to them, you did hear the news the other day, didn't you? वो ने कहते, देखो तुमने यकीनन कल आने वाली खबरें सुनी होगी, क्या तुमने नहीं सुनी? They nodded and laughed, sure, sure, Harry. वो अपना सर इस बात में हिलाते हैं, हाँ कहते हैं, और कहते हैं हाँ यकीनन Harry, हमने सुनी है वो खबरें। What are you going to do about it? अब इस बारे में तुम क्या करने वाले हो? Do Harry do? What can we do? Harry करो जो तुम्हारा दिल करता है, हम क्या कर सकते हैं? Build a rocket, that's what. और क्या कर सकते हैं? एक रॉकेट बना सकते हैं। A rocket, Harry, to go back to all that trouble? Oh, Harry. वो कहते हैं, अच्छा रॉकेट बनाए Harry, उस तकलीफ में, उस मुश्किल में, यानी दोबारा अर्थ पे जाने के लिए? नहीं Harry, हम ऐसा नहीं करेंगे। But you must want to go back. लेकिन तुम्हें जाना जाने के बारे में सोचना चाहिए। Have you noticed the peach blossoms, the onion and the grass? क्या तुमने peach blossom क्या होते हैं? आड़ू के फूल, क्या तुमने वो फूल देखे हैं?
यहाँ पर प्याज देखी है, यहाँ की घास देखी है, यानी वो सब चीजें डिफरेंट है। वो चीजें वहां जमीन वाली जो अनियन ग्रास और पीच वॉस पहन उनके जैसी नहीं है, सब कुछ डिफरेंट है। वाई ये सैरी सीम्स वी डिड सेड वन ऑफ देम, और उनमें से उन आदमियों में से एक कहता है हाँ हम सबने देखा है, ऐसा लगता है। Doesn't it scare you? क्या तुम्हें खौफज़दा नहीं करता? Scare means frightened, afraid, डराना। क्या ये तुम्हें डराता नहीं, खौफज़दा नहीं करता? Cannot recall that it did much, Harry. हमें तो याद नहीं आता कि ये हमें खौफज़दा करता है, Harry. Idiots. Now Harry अब वो नहीं कहता है बेवकूफ, तो वो कहते हैं अब क्या करें हम Harry? Bitterly wanted to cry. Harry bitterly चाहता है कि वो चीखे. You have got to work with me. तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। If we stay here, अगर हम यहाँ रहते हैं, we will all change, तो हम सब बदल जाएंगे। The air, don't you smell it? ये हवा, क्या तुम सूंघ नहीं सकते? Something in the air, इस हवा में कुछ है। A Martian virus, एक मरीखी वायरस है। Maybe some seed or a pollen, शायद वो कोई बीज हो या कोई जरदाना हो। Listen to me, मेरी बात सुनो। They stared at him, वो उसकी तरफ घूरते हैं। Sam, he said to one of them, और उनमें से एक को वो बुलाता है और कहता है, Sam, yes Harry, हाँ Harry, will you help me build a rocket? क्या तुम मेरी मदद करोगे एक रॉकेट बनाने में? अब ये आपका एक MCQ करेक्ट इंफॉर्मेशन का कि वो किससे हेल्प चाहता है, Harry किससे हेल्प मांगता है टू बिल्ड अ रॉकेट? सैम से। Harry, I got a whole load of metal and some blueprints. Harry, मेरे पास तमाम मेटल है। मेटल क्या होता है? धात है जो रॉकेट बनाने में काम आ सकती है। एंड सम ब्लूप्रिंट्स, और कुछ ब्लूप्रिंट्स भी है। ब्लूप्रिंट्स में खाके स्केचेस, मेरे पास कुछ स्केचेस भी है, यानी रॉकेट के कुछ स्केचेस भी है जिन्हें तुम देख कर रॉकेट बना सकते हो, और धात भी है। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन द रॉकेट, यू आर वेलकम। और अगर तुम मेरी धात की दुकान पर रॉकेट बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। आई विल सेल यू द मेटल फॉर $500। यहाँ पर एक और MCQ कि हैरी, सॉरी सैम ने हैरी से रॉकेट मेटल के कितने पैसे मांगे? $500। उसने कहा मैं $500 में तुम्हें ये सारा मेटल और ब्लूप्रिंट्स सब कुछ बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रिटी रॉकेट, और तुम एक अच्छा सा बिल्कुल दुरुस्त रॉकेट बना सकोगे। इफ यू वर्क अलोन इन अबाउट 30 years, अगर तुम काम करते रहे तो 30 साल में तो तुम रॉकेट बना ही लोगे। इज अनदर MCQ कि कितना टाइम लग सकता था हैरी को रॉकेट बनाने में? 30 years। एवरीवन लॉगर, हर कोई हंसता है और उसका मजाक बनाता है। डोंट लॉग, हंसो मत। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, और सैम उसको बड़े अच्छे मजाहिया से अंदाज में देखता है। सैम, बिटरन सेड, योर आईज, बिटरन कहता है सैम तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ मेरी आंखों को हैरी? डोंट दे यूज टू बी ग्रे? अब यहां पर एक और MCQ है, सैम की आईज का कलर क्या था? उसकी आईज ग्रे थी, उसकी आंखें ग्रे थी। वेल नाउ आई डोंट रिमेम्बर, और अब मुझे नहीं पता। दे वर, वरेंट दे, वो थी, बताओ क्या वो नहीं थी? व्हाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब ये कुछ पीली सी हो गई हैं। ठीक है, यहां तक बात हमारी पहुंची कि जब वॉर हो गई अर्थ पर तो हैरी और ज्यादा परेशान हो गया, और उसने कहा कि अब कोई ना कोई तरीका हमें खुद ढूंढना है जमीन तक पहुंचने का, क्योंकि तमाम रॉकेट जो है वो खराब हो चुके, जल चुके, बिल्कुल तबाह हो चुके। अब वो वहां पर टाउन में जो और अर्थ से लोग आए थे उनके साथ, उनके पास जाता है और कहता है चलो कोई रॉकेट बनाते हैं और वापस अर्थ पे चलते हैं। लेकिन वो लोग वापस अर्थ पर उस ट्रबल में नहीं आना चाहते, क्योंकि वहां वो बिल्कुल फारिग बैठे हैं और जो कुछ उगा रहे हैं खा रहे हैं उनको कोई और फिक्र परेशानी नहीं है, इसलिए वो अर्थ पर जाना नहीं चाहते। लेकिन हैरी बहुत शिद्दत से चाह रहा है कि वो अर्थ पर वापस चला जाए, और इसलिए वो उनसे कहता है कि रॉकेट बनाने में मेरी मदद करो। तो सैम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने रॉकेट मेटल बेच दूंगा अपनी दुकान पे, और काम भी करने दूंगा अगर तुम चाहते हो तो। तुम अकेले काम करो, 30 साल में तुम रॉकेट बना लोगे। अब आगे जो डिस्कशन शुरू हुई है वो हम दोबारा से, मैं इसको वहां से शुरू करूंगी। अभी हम यहाँ तक अपनी बात खत्म करते हैं। इसको बार बार पढ़िएगा, इसको सिनोनिम्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसको साथ साथ याद करते जाइएगा। थैंक यू।